दिन तो नहीं था ना, आपने डायरेक्शन दिया था तो उस दिन तो नहीं था ना, 6 तारीख को तो नहीं थी ना एप्लीकेशन। सर। माय लॉर्ड डायरेक्टेड मी कि वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के परसुएंस में मैंने अपनी निविदा डाली कि नहीं, लेकिन मेरा केस सर ये था कि जो इम्प्यून ऑर्डर है 12/8/22 उसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जिक्र नहीं है हाँ ठीक है, नहीं होगा जी तो चलिए। यस सर। मैं एक दिखाइए निवेदन कर रहा हूँ जी। सर, मेरा निवेदन ये है, ये टेन्योर था सर इसका, 2000 मार्च 2023 में खत्म हो गया है। दे आर एंजॉयिंग द स्टे ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट माय लॉर्ड नहीं वो तो एंड माय लॉर्ड ठीक, इफ माय लॉर्ड परमिटेड माय अरे लॉर्ड पहले बी इतना तो बता दीजिए कि आपने कार्रवाई की थी, इनको कंसीडर किया था, इतना सा तो बिंदु है, किया था तो बात खत्म हो जाती है। किया वो था सर, एक्सपीरियंस हाँ कंसीडर बताइए, वो दिखा दीजिए, किया प्रोसेसिंग था दिखा दीजिए। कोरियर किया था और इनको इनको कम योग्य पाया था, वनस्पत की जिनको आपने दिया है उतना ही तो केस है। इनका कहना यह है कि उसमें जो है जिक्र ही नहीं है इस बात का कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लाइट में जो आवेदन प्राप्त कॉपी हुए थे वो कंसीडर हुए थे। सर और भी ग्राउंड्स है सर मेरे, अरे भाई वकील साहब, आस्था विल सोशल नॉट प्रोलॉन्ग दी प्रोसीडिंग्स नहीं सर, लाइक दो दिस। ग्राउंड्स और केवल क्या है दो ग्राउंड्स बता दीजिए अभी, पहले सर, ये रिकॉर्ड्स नहीं पहले आप बता दीजिए क्या ग्राउंड्स हैं आपके। सर, 48 नंबर सर, ये 48 नंबर को है सर एक मिनट रिकॉर्ड रुक का जाइए जरा, हाँ आप क्या ग्राउंड्स हैं दो और बता रिकॉर्ड दीजिए। सर। सर 12/8/22 देखें एनेक्सर सर, एनेक्सर P1 Page 6 सर, हाँ एनेक्सर P1 सर Page 12 हाँ सर, ये सिलेक्शन लिस्ट है सर। हाँ ठीक है सर इसमें ये लिख रहे हैं कि भोपाल पत्र क्रमांक भोपाल 20/1/21 एवं पत्र क्रमांक -5/5/21 जी के द्वारा प्रदत्त अनुक्रम में शहरी, ये सर ये लिस्ट उन्होंने सेलेक्ट लिस्ट बनाई हाँ सर। अब मेरा फर्स्ट कंटेंशन यही था कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के इसमें कहीं जिक्र नहीं किया इन्होंने, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की डेट क्या है, 20/1/22 20/1/22 का जिक्र नहीं। चलिए हाँ सर। अब इनका रिप्लाई देख लें सर। एक सेकंड, आप पॉइंट्स बताइए अभी आप। हाँ सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ जिक्र नहीं, नहीं दूसरा पॉइंट क्या है हाँ दूसरा पॉइंट ये सर कि इनका रिप्लाई का पैरा 5 देखें सर आप। जी, रिटर्न का हाँ रिटर्न वन का नाइन एट एट थ्री सर, आईए नंबर तो नहीं है इसमें, दो रिप्लाई है। नहीं स्टेट का सर। जी पैरा नंबर थ्री, पैरा पैरा 5 सर। पैरा फाइव, चलिए जी। सर ये लिख रहे हैं, इट इज सबमिटेड दैट द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर दैट नो एडवर्टाइजमेंट हैज बीन इशूड और नो पब्लिक नोटिस हैज बीन इशूड गिवन इज मिसकंसीव्ड एज एडवर्टाइजमेंट वाज इशूड एज पर द नॉर्म्स ऑफ द अमेंडेड पॉलिसी। जी अमेंडेड पॉलिसी कब की थी, 5/5/21 की है सर। अब ये 12/8 में लिख रहे हैं कि हम 20/1/21 को भी फॉलो कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइएगा। अमेंडेड पॉलिसीज 5/5/21 की है सर। 5/5/21 अमेंडेड पॉलिसी, जी जी नहीं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो 20/1/22 का है ना। 20/1/22 का है हाँ ठीक है, सर। फिर इसके बाद पैरा एक सिक्स सेकंड, आपने तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है 20/1/22 के तारतम्य में अप्लाई किया ना, हाँ तो सर, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में दैट पॉलिसी वाज इंक्लूडेड 5/5/21। जी। हाँ फिर फिर पैरा सिक्स और देखें सर, पैरा सिक्स द आंसरिंग रिस्पोंडेंट हम्बली सबमिट दैट एज पर पॉलिसी डेटेड 5/5/21 दो समूह हु हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर द डे एन यू एल एम वर गिवन अपॉर्चुनिटी टू अवेल द EOI द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आर इशूड फॉर 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल और फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट अप टू 31 मार्च, जी, देयरफॉर फ्रेश EOI आर इशूड फॉर द ईयर 2022-23 एंड द सेलेक्टेड सेल्फ ग्रुप एडेड बाय वेल अलॉटेड वर्क ऑर्डर फॉर द न्यू फाइनेंशियल ईयर। सर इसके रिस्पॉन्स में मेरा एग्रीमेंट आप देखें सर, एग्रीमेंट है सर एनेक्सर P5 ऑफ माय पिटीशन Page 62 हाँ जी Page 62 हाँ सर, 62 पर ही डेट लिखी है सर एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन की, 23/9/21 हाँ 23/9/21 हाँ ठीक है। हाँ सर। अब इसमें सर ये जो पॉलिसी है, इस सबसे नहीं, मुद्दे की बात नहीं किया, सर मुद्दे की बात ये है कि मुझे अगर हटाना था तो उसका मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है नहीं नहीं पॉलिसी में, वी आर नॉट गोइंग टू ऑल दिस तो काइंडली अप्रिशिएट मेरा नो। एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं किया सर हाँ उन्होंने, ठीक है, नहीं किया होगा, उसकी ड्यूरेशन क्या थी, उसकी 23/9/21 से 23/9/22 बस बारह ठीक आठ है। बाईस को सिलेक्ट लिस्ट निकाल दी हाँ ठीक है, एंड देट वॉज वो डन। टाइम खत्म हो चुका, अभी तो सिर्फ इतना नहीं देखना है कि आपको
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की लाइट में कंसीडर किया था या नहीं किया था, दैट इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। अब इन्होंने जो रिकॉर्ड पेश किया उसकी जेन्युइननेस भी मैं बता रहा हूं सर, अब भी जो पेश किया सर, पहले रिकॉर्ड तो देखने दीजिए, आपने देख लिया क्या रिकॉर्ड पहले? आपने तो देखा नहीं, ऐसी कॉपी दी सर, आप हमें देखने दीजिए ना पहले, एक कॉपी ओरिजिनल भी है सर, एक कॉपी हम फोटो कॉपी कराएंगे, पूरे सेट बनाएंगे दीजिए। पहले क्यों नहीं फाइल किया था कल सर? ये आपके कहने पर एक दिन बाद रखा था, कल क्यों नहीं फाइल किया था इसको? सर इसमें वाईसी को बुला लिया था बाद में ओरिजिनल रिकॉर्ड लेके, सर पहले बोला था इसमें फाइल करने का नहीं था। हाँ बताइए इनका नाम कहाँ कंसीडर हुआ है? 48 नंबर पे सर, 48 नंबर पे। आस्था महिला जी, क्या नहीं है इनके पास में? समूह के बैंक डिफॉल्टर की जानकारी नहीं है, ठीक है। फिर ये अंक क्या दिए हैं इसमें? समूह के कुल सदस्य की संख्या, भौतिक पाए गए सदस्यों की संख्या, ठीक है। नहीं नहीं ये तो एप्लीकेंट्स की वो हो गई, फिर आपने चुना कैसे वाईसी साहब, चुना कैसे इनमें से कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है? माइलर इसमें जो 5521 की जो गाइडलाइन है उसमें जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स एक तो है कि वो 3 वर्ष से पंजीयन हो NULM में, नंबर 1। नंबर 2 ये हो कि उसकी बैंक क्रेडिट हो, और नंबर 3 ये हो कि उसको क्या क्या एक बार फिर से बोलिएगा, 3 वर्ष से पंजीयन हो, 3 इयर्स का सर मिनिमम एक्सपीरियंस हो, NULM NULM सर, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, यस सर। हाँ उसमें 3 वर्ष का कम से कम उसका पंजीयन हो। दूसरा है कि उसकी कम से कम उसकी जो बैंक में अमाउंट है वो 3 वर्ष का उसका बकाया हो, तो 3 वर्ष की पूंजी उसमें हो, 3 वर्ष की पूंजी हो मतलब? यस सर, मतलब ये ना हो कि खाता निल हो। कहाँ है वो गाइडलाइन? वो गाइडलाइन कहाँ है दिखाइए सर। सर ये एनेक्सर 3-3 है, मेरी पिटीशन पेज 40 पर सर, 5521 एनेक्सर 3-3 पेज 40 सर। सर उधर लगी नहीं है, 1.22 लास्ट पैरा, 1.2.2 जी, बस आया था केवल क्रियाशील इतना, 3 वर्ष के पूर्व से इतना पंजीकृत तेजस्विनी के साथ पंजीकृत हो गए, 3 आधा सीडेड बैंक खाता में बचत राशि शेष होनी चाहिए। अच्छा तो ये आपके यहाँ कब NULM कब लागू हुआ है सर? ये NULM तो सर काफी पहले से, अंदाज मत, नहीं नहीं अंदाज मत बताइए सर, मेरा निवेदन ये कि जिस समय नहीं, ये आपसे जो उसका अगली क्लॉज ये है कि अगर 3 वर्ष के नहीं है तो आपको ये बताना पड़ेगा कब से लागू हुआ है, कब से लागू हुआ है, डेट बताइए सर। ये सभी 3 वर्ष के थे, एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता पाऊंगा सर, बट सभी इसमें से 3 वर्ष के सभी थे जिनको आपने दिया है, वो सब 3 वर्ष के पहले से थे सर, आपने सिर्फ उन्हीं को दिया है सर जी, ठीक। सर इनने जो पेश किया है रिपोर्ट पर, इसमें सर आप देखें ये बैठक दिनांक 3/8/22 है, इसमें इन्होंने स्क्रूटनी करी पर मेरिट लिस्ट नहीं बनाई। इसको छोड़ दीजिए, आप तो ये बता दीजिए कि आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं पेश सर, मेरा तो निविदा आपने डाल दी। अरे आपने डाल दी, आपने बहुत अच्छा किया सर, आपने तो पिटीशन भी कोर्ट में डाल दी, अब डालने के बाद सर मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया, थोड़ा ना रिलीफ दे देंगे, देखना पड़ेगा। आप इतना बताइए पहले यहाँ से, नाउ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस, whether you fulfill these requirements of 1.2.1.2 or not sir, I fulfilled that, bataiye where is what is the date of your registration sir ye dekhe aap, ye jo maine nivida form dali sir, inke paas puri details hai mere, usi mein details likhi Soni ji, is tarike se aap behas karenge I'll throw you out of the court sir, aapse jo sawal pooch raha hu bataiye aapki date, aapka panjiyan kab ka hai sir, आप लोग यू आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, यू आर सपोज टू असिस्ट द कोर्ट, आप इतने ज्यादा इंटरमिक्स हो जाते हैं, इतना वेस्टेड इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाता है कि आप कोई भी बात इंडिपेंडेंटली बता नहीं पाते हैं सर। आपका पंजीयन की तारीख क्या है सर? इसमें दी हुई है 2021,
26/2/2021 यस सर जी, तो 3 साल कब हो गए थे आपको? सर मेरा एग्रीमेंट है सर पहले से, एनएक्सा P5 में लेके सर, P5 ये एग्रीमेंट पहले से है सर मेरा। अरे भाई आपका पंजीयन बताइए, एग्रीमेंट आपका किस तारीख का है ये P5? सर ये P5 तो मेरा 23/9/19 को एग्जीक्यूट हुआ है। और भाई आपको उसे फॉरगेट अबाउट द एग्रीमेंट जी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम आस्किंग, हैव यू अंडरस्टूड इट और नॉट? हाँ सर, मेरे समूह का रजिस्ट्रेशन कब का है? कब का है? और आप ये क्लॉज की पूर्ति करते हैं? यस सर। इतना बताइए, रजिस्ट्रेशन तो है सर मेरा, बात का है ना आपका रजिस्ट्रेशन? नहीं, पहले का है सर। और पहले का दिखा दीजिए। यस सर, ये सर ये समूह का गठन है 26/2/21 26/2/21 हाँ, ये इन्हीं की चेक लिस्ट में है सर। हाँ ठीक है, वो तो हम भी, हमने तो वही पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हमने जी जी इनके। वो क्या है, आपको क्या है, कोर्ट की हर बात को ना करना रहता है। तो 3 साल हो गए थे आपको क्या? सर ये गठन था 3 साल हो गए सर, तभी इन्होंने कंसीडर किया। अरे भाई, स्व सहायता केवल क्रियाशील महिला स्व सहायता समूह होकर संशोधित परिपत्र के जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष पूर्व से हाँ सर, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के पंजीकृत महिला के तहत पंजीकृत होकर इन समूहों की 3 वर्ष की आधार सीडेड कहाँ है आपका पंजीकरण 3 वर्ष सर, पहले का? ये लिखा सर इसी के पहले वाला जो सेकंड लास्ट कॉलम है ना सर, 26/2/21 के नहीं के पहले 47603 हाँ, ये क्या है 47603? सर ये लिखा है दिनांक 20/1/22 के पूर्व से पंजीकृत समूह का 3 वर्ष का आधार फील्ड खाता। नहीं 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 तो आई वाज वर्किंग। नहीं 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 पहला कॉलम 6 पढ़िएगा जी, महिला एवं स्व सहायता समूह का NULM में पंजीयन दिनांक जी, आपका पंजीयन दिनांक दिया हुआ है 26/2/21 जी NULM हाँ NL, वो उसी का तो पंजीयन चाहिए जी। दूसरा ये आपकी पूंजी जो उपलब्ध है 3 वर्ष के आधार पर, तो जो उस तारीख को जो पूंजी उपलब्ध थी 47,603 रुपये वो दी हुई है। आपका 3 साल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है आपका। 5/5/21 की गाइडलाइन है उसमें ये क्लोज है सर, तो मैं तो उसमें सर ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कैसे करेंगे? पांच, अरे भाई 5/5/21 की गाइडलाइन से क्लोज पढ़ रहे हैं सर। हाँ तो ये उसको रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई कैसे, ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो 20/1/2022 का रेट्रोस्पेक्टिव कैसे हो जाएगा? नहीं सर ये जो गाइडलाइन पढ़ रहे हैं। अरे भाई वकील साहब, जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकला है सर, ये क्लॉज पढ़ रहे हैं गाइडलाइन 5/5/21 के पहले का होता तो आपका ये कहना सही होता कि 5/5/21 की गाइडलाइन को रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकती। अब आपको पढ़ाना भी पड़ेगा, दिक्कत यह है दैट यू आर नॉट प्रिपेयर टू लर्न। 5/5/21 की गाइडलाइन के पहले का एडवर्टीजमेंट नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है 20/1/2022 का। 20/1/2022 को दे कैन ऑलवेज अडॉप्ट एनी सर्कुलर एनी गाइडलाइन व्हिच वाज इशूड प्रायर टू दैट। तो सर मुझे इन्होंने कोई कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी योग्यता बताइए, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है सर। आई पार्टिसिपेटेड, आई सबमिटेड माय टेंडर फॉर्म और सर ये मैंने सबमिट कर दिया, ऑन रिकॉर्ड है सर, ये देखें सर ये कल सबमिट कर दिए सर, ये मेरा क्या होगा, आपने उन्होंने कंसीडर कर लिया, आ गया जवाब, ठीक है। और सर ये और देखें सर आप, अब आपका एक एक करके बता दीजिए किस किस केस में आप हैं। सर एक पॉइंट और है सर। हाँ सर, मैंने ये एग्रीमेंट का तो पॉइंट आउट किया कि 23/9/21 तक मेरा वैलिड था एग्रीमेंट, दैट वाज नॉट टर्मिनेटेड एनेक्सर P5 सर। दैट इज नॉट द इशू राइट नाउ, इशू इज दैट इफ यू आर नॉट एलिजिबल then whole exercise will be a nullity. ये इन्होंने मुझे communicate ही नहीं किया। मत करिए हम sir, in the written itself they are establishing कि जो expression of interest है that is nexus with the select list sir. चलिए और बताइए क्या कहना है आपको। Sir kindly see page 15 of my petition sir. ये मैं पहले 12/1/2021 की guideline से बता रहा हूँ। जो बोलना है बताते जाइए सर, काइंडली अप्रिशिएट पेज 15 सर जी। सर इसमें स्व सहायता समूह के चयन की प्रक्रिया है, ये 20/1/21 की गाइडलाइन है जी। सर इसमें समिति बनी हुई है, इसमें कलेक्टर इज दी एट दी टॉप हायरार्की सर, एंड दी लोएस्ट हायरार्की इज दी मैनेजर ऑफ द राज्य आजीविका मिशन।
सर आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देखें, वो केवल प्रोजेक्ट ऑफिसर ने निकाला है, नॉट दी समिति सर। फिर आपने अप्लाई क्यों किया, ये भी लिख लेते हैं। मैंने कॉम्पिटेंसी का ग्राउंड भी लिया है सर। नहीं नहीं तो आपने फिर अप्लाई क्यों किया, वंस पार्टिसिपेटिंग, वंस यू पार्टिसिपेटेड इन दी प्रोसेस। सर यदि मैं पार्टिसिपेट नहीं करता तो क्वेश्चन ही आता। ये हमारे सामने नहीं है सर, वेदर आई हैड लोकस और नॉट ऑफ इंटरेस्ट। सर मेरा लोकस का क्वेश्चन आता है अगर मैं पार्टिसिपेट नहीं करता। इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सर इन द इवेंट ऑफ माय नॉन पार्टिसिपेशन द क्वेश्चन ऑफ लोकस वुड हैव अराइजन। 5521 जी और यस मिस माय लॉर्ड मे अप्रिशिएट सर पेज 42 ये 5521 की गाइडलाइन का क्लॉज 1.2.3 है जी। सर आई रीड फॉर माय लॉर्ड्स, चार क्लॉज पढ़ रहा हूँ आपके लिए। 1.2.31 का समिति द्वारा जिले में उपरोक्त स्व सहायता समूह से सार्वजनिक सूचना जाहिर विज्ञापन पढ़ रहे हैं आप सर, पेज 42 ऑफ माय पिटीशन जी, एनेक्सर पी 3 है सर, 1.2.3 पेज 42 जी। समिति द्वारा जिले में उपरोक्त स्व सहायता समूह से सार्वजनिक सूचना जाहिर विज्ञप्ति जारी कर कार्य की अभिरुचि की जाएगी। संबंधित नगरीय निकायों से डे एनयूएलएम में पंजीकृत स्व सहायता की सूची प्राप्त की जाएगी। ये चयन की प्रक्रिया है सर। स्व सहायता समूह का श्रेणीकरण निम्न आधारों पर किया जाएगा, स्व सहायता समूह कितने वर्ष से पंजीकृत है, स्व सहायता समूह से बैंक खाते की बचत राशि, स्व सहायता समूह से बैंक डिफॉल्टर न हो, स्व सहायता समूह के क्षेत्रवार 10 आंगनवाड़ी केंद्र से मैपिंग की जाएगी, 3 वर्षीय अवधि की पात्रता वाले स्व सहायता समूह नहीं मिलने पर घटते क्रम की गठन अवधि अनुसार समूह की प्राथमिकता दी जाएगी। यदि एक से अधिक समूह स्व सहायता समूह एक ही क्षेत्र में एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पात्र पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में समूह के खाते में उपलब्ध बचत राशि की अधिकता के आधार पर वरीयता दी जाकर कार्रवाई की जाएगी। नाउ दिस ऑल दिस हैव नॉट बीन डन मी लॉर्ड। ठीक देन माय लॉर्ड मैं काइंडली अप्रिशिएट हटाने की जो प्रक्रिया है लास्ट कंटेंशन सर पेज 37 एनेक्सर पी 2 सर, तो दीजिए, आपको तो कंप्यूटर से बहस करने में तकलीफ है। आई एम नॉट डीलिंग विद पेपर, आई हैव टू डील विद कंप्यूटर। सॉरी सर। और आप लोग शुरू करिए इससे बहस करना, अदरवाइज ये मिसमैच ऑफ पेज नंबर्स वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। यस सर। और आप नहीं कर सकते तो वैसा बता दीजिए, लिख के दे दीजिए।